स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मूवी थ्रिल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए साउथ की टॉप 5 बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज लेकर आए हैं, जो हिंदी में डब होकर अवेलेबल हो चुकी हैं। ये सभी मूवीज बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो आपको अंत तक उलझा कर रखेंगी। साथ ही ये सभी मूवीज आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगी। तो आइए जानते हैं इन मूवीज के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे जो मूवी है वो है पेंसिल। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 89% गूगल जिस तरह लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है जीवी प्रकाश कुमार, श्री दिव्या के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें शिवा और नितिन दो व्यक्ति हैं जो हमेशा एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन हालात तब बदल जाते हैं जब लड़ाई के बाद नितिन की हत्या कर दी जाती है और शिवा नितिन के शव के पास आपत्तिजनक स्थिति में पाया जाता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, ये जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसे आप इंग्लिश सबटाइटल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो मूवी है वो है कदिकरा मणिथरगल। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई है, जिसकी IMDb रेटिंग अभी तक जस्टिफाई नहीं हुई है। इस मूवी को 78% गूगल जिस तरह लाइक किया गया है। ये एक तमिल भाषा की मूवी है। इसे हिंदी में घोसला नाम से डब किया गया है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है किशोर करण के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें मारन जो एक बेकरी में काम करता है, वह और उसकी पत्नी किराए के घर की तलाश कर रहे हैं। एक शातिर दलाल मारन को अपने बजट में एक घर दिलवाता है, लेकिन घर का मालिक केवल 4 लोगों को रहने की इजाज़त देता है और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। अब वह मकान मालिक से झूठ बोलता है कि उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। वह अपने एक बच्चे को एक बॉक्स में छुपा देता है। अब आगे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उनको जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी अच्छी है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पे जो मूवी है वो है लूसीफर। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 88% गूगल जिस तरह लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है पृथ्वीराज सुकुमारन, मोहनलाल के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें सत्तारूढ़ दल के नेता की मृत्यु हो जाने के बाद उस स्थान के लिए एक बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन कहानी में तो तब देखने को मिलता है जब नेता का दत्तक पुत्र स्टीफन रहस्यमय तरीके से आता है और सभी क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करता है। तो आगे मूवी में क्या होता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 2 पे जो मूवी है वो है सेतुपति। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 82% गूगल जिस तरह लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है विजय सेतुपति, राम्या नंबेशन के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें एक सख्त पुलिस अधिकारी सेतुपति एक हत्या की इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन में मदुरै के एक प्रभावशाली व्यक्ति बथियार को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद उस पुलिस अधिकारी का जीवन, कैरियर और परिवार सब खतरे में पड़ जाता है। तो वो कैसे अपने परिवार और अपने कैरियर को बचाता है, जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नंबर 1 पे जो मूवी है वो है उप्पी 2। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को 93% गूगल जिस तरह लाइक किया गया है। इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाई है उपेंद्र, पारुल यादव के साथ में और भी कई सारे स्टार। बात करें मूवी की कहानी की, तो इसमें नीनू एक ऐसा व्यक्ति है जो एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ
सलीम एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन को खोज रहा है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। उधर नीनू सलीम पर कब्जा पाने के लिए पुलिस को भड़काता है। आगे मूवी में क्या होता है जानने के लिए आप ये मूवी देख सकते हैं। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, इसे आप एक बार एंजॉय कर सकते हैं। मूवी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।